ये वैम्पायर्स और भेड़ियों की जो इंसानों की शक्ल में रहते हैं, भेड़ियों को लाइकन्स कहा जाता है। और जब वैम्पायर्स और भेड़ियों के बीच में जंग हुई तो वैम्पायर्स ने भेड़ियों के नेता लूसियन को मार दिया, जिससे भेड़िए कमजोर पड़ गए और पूरी तरह से बिखर गए, और इस तरह इस जंग में वैम्पायर्स की जीत हुई। आज 600 साल बाद भी इन दोनों जातियों के बीच में कट्टर दुश्मनी है, पर लाइकन्स यानी भेड़ियों की तादाद पहले से बहुत कम हो चुकी है और वो कमजोर भी हो गए। और आज 600 साल बाद भी वैम्पायर्स भेड़ियों का शिकार करते हैं, और भेड़ियों का शिकार करने के लिए कुछ वैम्पायर्स एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। इनमें एक वैम्पायर लड़की भी होती है जिसका नाम सलीन है, और ये जन्म से वैम्पायर नहीं थी बल्कि विक्टर, जो कि वैम्पायर्स का लीडर था, जो अभी गहरी नींद में है, उसने इसे वैम्पायर बनाया था जब भेड़ियों ने सलीन के पूरे परिवार को मार दिया था। और आज ये पूरी तरह से वैम्पायर है और भेड़ियों का शिकार करती है। अब ये अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर कुछ भेड़िए एक माइकल नाम के आदमी का पीछा कर रहे होते हैं, और यहाँ पर भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में लड़ाई होती है, और सलीन उनका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है, और इसे वहां पर बहुत सारे भेड़ियों की आवाजें आती है। दरअसल वहां पर बहुत सारे भेड़िए होते भी है, पर सलीन उन्हें नहीं देख पाती और वापस अपने महल में आ जाती है। और क्रेविन, जिसके पास अभी वैम्पायर्स की कमांड है, वो उसे बताती कि हमें उस जगह पर हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे कई भेड़ियों की आवाजें सुनी थी। पर क्रेविन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। क्रेविन वो है जिसने आज से 600 साल पहले भेड़ियों के लीडर लूसियन को मारा था। अब सलीन उस जगह का वीडियो फुटेज देखती है जहां उसने भेड़ियों का पीछा किया था, तो उस फुटेज से उसे पता चलता है कि भेड़िए किसी इंसान का पीछा कर रहे थे, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भेड़िए इंसानों के रक्त से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही होती, और लूसियन बोलता है कि बस हमारे पास एक ही उम्मीद है और वो है माइकल, और ये सब माइकल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ से सलीन भी माइकल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है, और जब माइकल वहां पहुंचता है तो सलीन उसे गर्दन से पकड़ कर उठा लेती है, और वो उससे पूछते कि भेड़िए तुमसे क्या चाहते हैं, पर माइकल को कुछ भी नहीं पता था। और अब वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं जिससे माइकल को मौका मिल जाता है और वहां से भाग जाता है। सलीन भेड़ियों पर गोलियां चलाती है, और माइकल लिफ्ट से नीचे उतर रहा होता है, और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक भेड़िया होता है, और इससे पहले कि वो माइकल को कुछ कर पाता, सलीन वहां पहुंच जाती है, और वो देखती है कि वो इंसान की शक्ल में जो भेड़िया है वो लूसियन है, भेड़ियों का लीडर जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे। सलीन उस पर गोलियां चलाती है, पर लूसियन माइकल की गर्दन पर काटता है। दरअसल उसे माइकल का रक्त चाहिए होता है जो उसे मिल जाता है, और सलीन माइकल को वहां से अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसकी गोलियों से लूसियन घायल होता है और इसीलिए उसे मौका मिल जाता है। हालांकि लूसियन उनका पीछा भी करता है लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। अब सलीन यहां पर घायल होती है, और जब वो ड्राइव कर रही होती है तो बेहोश हो जाती है और उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है, लेकिन माइकल उसे पानी से निकालता है, उसकी जान बचाता है। पर उसको पानी से निकालने के बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो वैम्पायर्स के महल में होता है। अब क्योंकि सलीन इसे महल में ले आई है तो क्रेमर इससे बहुत नाराज होता है, और जब क्रेमर सलीन से बात कर रहा होता है तो इन्हीं की एक वैम्पायर साथी माइकल के पास होती है, और जब माइकल अपनी आंखें खोलता है तो उसे दूर चली जाती है और उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन माइकल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और अब सलीन को क्रेमर पे शक भी होता है क्योंकि भेड़ियों के लीडर लूसियन को उसी ने मारा होता है, और लूसियन जिंदा है, और इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि क्रेमर ने उसे मारा है। इसीलिए उसे शक होता है कि या तो क्रेमर उसके साथ मिला हुआ है या उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन सच ये होता है कि क्रेमर लूसियन से मिला होता है। दरअसल उसे सत्ता का लोभ होता है और इसीलिए वो पूरा षड्यंत्र रचता है। अब यहाँ विक्टर, जो कि वैम्पायर्स का राजा उनका लीडर है, जो कि कई सौ सालों से गहरी नींद में है, सलीन उसे नींद से जगा देती है। हालांकि बारी के हिसाब से मार्कस को जागना था। दरअसल यहाँ पे वैम्पायर्स के तीन राजा होते हैं जो बारी बारी जागते हैं और राज करते हैं, पर सलीन विक्टर को 100 साल पहले जगा देती है क्योंकि विक्टर पर उसे विश्वास होता है। विक्टर ने उसे वैम्पायर बनाया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। पर जब सलीन उसे बताती कि लूसियन जिंदा है और क्रेमर भी लूसियन से मिला हुआ है, तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और विक्टर उसे बंदी बना लेता है। हालांकि विक्टर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, पर उसने जो किया है वो एक बड़ा गुनाह है, इसीलिए उसे ये फैसला लेना पड़ता है। पर सलीन वहां से भाग जाती है, और वहां से वो उस जगह जाती है जहां पर उसने एक रात पहले माइकल को छोड़ा था। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे लाइकन्स और उनके आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन सलीन उन सब का सामना करती है और माइकल को बोलती है कि तुम भाग जाओ, और माइकल वहां से कूद कर भाग जाता है।
और सलीन उन सबको गोलियां मारती है। दरअसल इन्होंने खास तरह की गोलियां बनाई होती है जिससे भेड़िए मर जाते हैं, और वो यहाँ पर उस आदमी को भी पकड़ लेती है जो लाइकन्स के लिए रिसर्च कर रहा होता है, और वो उसे पकड़कर विक्टर के पास ले जाती है, और यहाँ पर उसे विक्टर के सामने सब कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि भेड़ियों और वैम्पायर्स के वंशज एक ही थे, पर बाद में हमारी ब्लड लाइन अलग हो गई और हम कई सालों से भेड़ियों और वैम्पायर्स के रक्त से एक ऐसी ब्रीड बनाना चाहते हैं जो बहुत शक्तिशाली हो, पर हमारे कर्ण भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और माइकल हमारे वंशजों का एक ऐसा अंश है जो ना वैम्पायर है ना भेड़िया, इसीलिए जब हमने वैम्पायर्स और भेड़ियों के रक्त में माइकल का रक्त मिलाया तो हम कामयाब हो गए, और अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जो जन से वैम्पायर हो जैसे एमिलिया, और हम उसका, लूसियन का और माइकल का रक्त मिलाए तो सोचो क्या होगा। विक्टर कहता है कि एक अनोखा मिशन, और वो उसे ये भी बताता है कि क्रैमर और लूसियन आपस में मिले हुए, और अब विक्टर को पूरा सच पता चल चुका है, और क्रैमर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर विक्टर के कुछ लोग आते हैं और वो उसे बताते हैं कि काउंसिल के जो लोग एमिलिया के साथ आ रहे थे उन सबको मार दिया गया है, और एमिलिया को मार कर उसका पूरा रक्त निचोड़ लिया गया है। इस बात से विक्टर को दुख होता है और वो सलीन को बोलता है कि ये मिश्रण नहीं होना चाहिए और अब तुम्हें माइकल को मारना होगा। इसके बाद विक्टर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लाइकन्स ने माइकल को पकड़ लिया है और वो लूसियन के सामने होता है, और लूसियन ने उसे काटा है, और इसीलिए वो पूरे चांद की रात को यानी कि पूनम की रात को भेड़िया बन जाएगा, और आज पूनम की रात होती है। लूसियन उसे बताता है कि तुम अब हम में से एक हो और वैम्पायर्स तुम्हारा शिकार करेंगे। अब यहाँ पर इसको लूसियन ने काटा है इसीलिए इसे विजन आ रहे होते हैं, और ये सारे विजन्स लूसियन के होते हैं, और इन विजन्स में ये देखता है कि लूसियन के सामने एक लड़की बंधी हुई है, और विक्टर उस लड़की को लूसियन के सामने जिंदा जला देता है, उसे मार देता है। लूसियन उसे बताता है कि वो विक्टर की बेटी थी। दरअसल ये बात 600 साल पहले की है, जब हम वैम्पायर्स के गुलाम थे हम उनके लिए रखवाली करते थे, और मुझे विक्टर की बेटी से प्यार हो गया, हमने शादी कर ली, और जब हमारा बच्चा होने वाला था तो उस बच्चे से विक्टर डर गया और उसने अपनी खुद की बेटी को मार दिया, और तभी से वैम्पायर्स के और भेड़ियों के यानी कि लाइकन्स के बीच में जंग शुरू हो गई, और इसीलिए विक्टर हर एक भेड़ियों को मिटा देना चाहता है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर क्रैमर आ जाता है, और क्रैमर और लूसियन के बीच में आपस में अकेले में बातें होती है, और इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और ये समझ जाते हैं कि विक्टर और सलीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल वो दोनों यहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुंच चुके होते हैं, और जब लूसियन वहां से बाहर जा रहा होता है तो पीछे से क्रैमर उस पर गोली चला देता है, और ये एक खास तरह की गोली होती है जो शरीर में लगते ही उसके अंदर से सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्य निकलता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि लाइकन्स यानी कि भेड़िए गोलियों से नहीं मरते, इसीलिए इन्हें मारने के लिए ये खास गोली बनाई होती है, और इस गोली को लगने के बाद लूसियन जमीन पे गिर जाता है और क्रैमर वहां से निकल जाता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि विक्टर को उसके बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। और यहां पर किसी तरह से सलीन पहुंच जाती है और वो माइकल को आजाद कर देती है, हालांकि विक्टर ने उसे बोला होता है कि तुम्हें माइकल को मारना है, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए वो माइकल को आजाद कर देती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ। तभी वहां पर क्रैमर आ जाता है और वो माइकल को लगातार कई गोलियां मारता है, और माइकल जमीन पर गिर जाता है और तड़पना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में भी पूरी तरह से द्रव्य फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्रैमर अपने साथ सलीन को ले जाना चाहता है क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता है। सलीन बोलती है कि मैं तुम्हें विक्टर के हाथों तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। क्रैमर बोलता है कि जिसे तुम अपना पिता समान समझती हो तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। तुम्हारे परिवार को भेड़ियों ने नहीं मारा था बल्कि तुम्हारे परिवार को विक्टर ने मारा था। उसे इंसानों के रक्त पीने की आदत थी और वो इंसानों का रक्त पिया करता था और मैं भी उसके साथ जाया करता था। उस रात को विक्टर के साथ मैं भी तुम्हारे घर आया था और विक्टर एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार वालों के कमरे में गया। उसने सभी को बहुत बेरहमी से मारा और सबका खून पी गया, लेकिन जब तुम उसके सामने आई तो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर अपनी बेटी दिखी, वो बेटी जिसे उसने अपने हाथों से मार दिया था। हालांकि सलीन को उसकी बातों पे पूरी तरह से यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है। अब वो सलीन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी लूसियन उसका पैर पकड़ लेता है और वो उसके पैर पर प्रहार करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, और सलीन को बोलता है कि माइकल को काटो। और तब सलीन को याद आता है कि अगर मैंने माइकल को काटा तो वो आधा वैम्पायर और आधा लाइकन बन जाएगा, यानी कि बहुत ताकतवर, और वो माइकल को काटती है। और जब वो माइकल को काट रही होती है तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और विक्टर माइकल को उठाकर अपने से दूर फेंक देता है। सलीन विक्टर को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पूरे परिवार को मारा। विक्टर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर मैंने तुमसे कुछ छीना है तो तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सलीन बोलती है कि और तुम्हारी बेटी का क्या, वो तो तुम्हारा अपना खून थी, तुमने उसे क्यों मारा।
वो कहता है कि उसकी कोख में कयामत पल रही थी, मेरे और मेरे कबीले की कयामत, और अगर मुझे अब भी ये करना पड़ा तो मैं अपने वंश को बचाने के लिए कई बार ऐसा करूंगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और माइकल को मारने के लिए जाता है, लेकिन माइकल वहां पर नहीं होता। और तभी वो पीछे देखता है, माइकल उसके पीछे खड़ा होता है। माइकल का चेहरा, पूरा शरीर पूरी तरह बदल चुका है और वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। और विक्टर और माइकल के बीच में लड़ाई होती है। हालांकि विक्टर इतना ताकतवर होता है कि उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन माइकल उससे कड़ा मुकाबला करता है। और इसी बीच में एक पल ऐसा आता है जब वो माइकल का गला दबा रहा होता है, उसे मारने वाला होता है। तभी सलीन देखती है कि वहां पर विक्टर की तलवार पड़ी होती है और वो उसकी तलवार उठा लेती है और उसकी तलवार से उसी को मार देती है, और इस तरह से विक्टर का अंत हो जाता है। और अब सलीन और माइकल जो कि अब एक हाइब्रिड बन चुका है, ये दोनों ही वैम्पायर्स के और लाइकन्स के दुश्मन है। और अब वैम्पायर्स का अगला राजा मार्कस आएगा, और जब मार्कस को ये पता चलेगा कि सलीन ने विक्टर को मारा है तो वो किसी भी हालत में इन्हें मारना चाहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।